हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल पालक छोले की सब्जी। और सच में ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना है, और वैसे भी अभी विंटर में पालक तो एकदम बढ़िया मार्केट में मिल रहा है, एकदम हरा भरा। तो आप पालक की ये एक और रेसिपी, पालक छोले की सब्जी, आप ट्राई कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसे लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए हम ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी छोले को रात में ही भिगोने के लिए रख दिया था। इसे मिनिमम आप 7 से 8 घंटे ज़रूर भिगोएं। और अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया, इसमें हम चने को डाल देंगे, और 1 टेबल स्पून नमक, 2/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और यहाँ पे मैंने 1 पिंच जो है बेकिंग सोडा ले लिया, जिससे हमारे जो छोले वो बहुत ही बढ़िया पकेंगे और जल्दी से जल्दी पक जाते हैं इससे। और यहाँ पे हम इसे 3 विसल आने तक इसे बॉईल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो छोले लिया है वो जो थोड़ा सा छोटा साइज़ का है, तो इसलिए जल्दी बॉईल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने पालक ले लिया 1 बंच, और इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। और बाकी मैंने ले लिया है 2 प्याज मीडियम साइज़ के, इसे रफली चॉप कर लेंगे। 10 से 12 मैंने लहसुन ले लिया है, 1 टमाटर जिसे रफली चॉप कर लिया, और 1 इंच अदरक। और हम इसे जो है रफली चॉप इसलिए किया है मैंने, क्योंकि हम इसे जो है ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन पे 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया, इसमें डाल देंगे प्याज, लहसुन, अदरक, और इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो हमें जो प्याज को जो एकदम गोल्डन कलर नहीं करना है, बस नॉर्मल सा हल्का सा फ्राई करना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, और टमाटर को भी हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। आप ध्यान रखें कि यहाँ पे हम कलर बिल्कुल चेंज नहीं करें, क्योंकि अगर प्याज में ज़्यादा कलर आएगा तो क्या है, पालक का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्याज टमाटर जो हल्का सा फ्राई हो गया, तो हम इसमें डाल देंगे पालक को। पालक को मैंने यहाँ पे कट नहीं किया, आप चाहे तो इसे थोड़ा रफली कट करके भी इसमें डाल सकते हैं। और 4 से 5 मिनट तक हम इसे पका लेंगे, और ये पक चुका तो हम इसे ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे जो है छोले के भी विसल खुल चुके हैं, अच्छे से पक चुका है, तो हम इसे चेक कर लेंगे। एक छोले को आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया पका हुआ है, और ये जो हमारा पालक है वो भी ठंडा हो चुका, तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है हरा धनिया थोड़ा सा, और अब आप देख सकते हैं इसे यहाँ पे मैंने बढ़िया सा ग्राइंड कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पे सेम पैन पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और अब हम डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, जैसे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और 2/3 टेबल स्पून हल्दी मैंने ले लिया है। और अब हम इसे हल्का सा सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे पालक, और पालक की जो प्यूरी हमने बनाया था वो, और अब हम इसमें जार में जो चने का जो पानी था वो डाल के ले लिया है। और यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, अगर आपको ठीक चाहिए तो आप कम पानी डालें, और अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसे ज़्यादा पानी डाल के इसे थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, तो नमक यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब हम इसमें डाल देंगे छोले, और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छे से पकने देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 2/3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला ले लिया है, और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया, और अब यहाँ पे हमारी जो पालक छोले की रेसिपी है वो बनके तैयार है। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आपकी रेसिपी कैसे बने हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।